नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है नीरज, मैं निर्विकार, आप देख रहे हैं मेरा वेब न्यूज चैनल देहाती इन्फॉर्मर। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। यह सीट सपा के खाते में गई है, यहां से सपा गुर्जर प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है। सूत्रों की माने तो भाजपा द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को तवज्जो देने के बाद सपा ने भी गुर्जरों पर डोले डालने शुरू कर दिए हैं। सपा का पहले रालोद के साथ गठबंधन था, इसलिए पार्टी को जाटों के वोट मिलने की उम्मीद थी। रालोद का गठबंधन अब भाजपा के साथ हो गया है, इस कारण सपा का अब पूरा फोकस गुर्जरों पर हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट और गुर्जर का बहुल्य माना जाता है। गत लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गुर्जर भाजपा के साथ गया था। सपा उन्हें अपने पाले में लाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और सीट पर गुर्जरों को दे सकती है। वहां से सरधाना के विधायक अतुल प्रधान को मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी हाईकमान ने गौतम बुद्ध नगर की जिला इकाई को लखनऊ बुलाया है। संगठन से मंत्रणा के बाद गौतम बुद्ध नगर सीट से सपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि 2009 में नए परसीमन से पहले यह सीट खुर्जा के नाम से थी। सपा कभी इस सीट पर विजय हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी यहां से विजयी रहे। इससे पहले 1977-1980 में खुर्जा सीट से जनता पार्टी और लोक दल के प्रत्याशी विजयी हुए थे, बाकी कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला रहा है। सपा प्रत्याशी हमेशा तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई में ही रहे हैं। नए परसीमन के बाद गौतम बुद्ध नगर के नाम से सीट बनी। दो बार नरेंद्र भाटी सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। वह प्रथम दो की लड़ाई में तो नहीं रहे, लेकिन दो बार उन्होंने मुकाबले को दिलचस्प जरूर बनाया। इस बार सपा भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को खासी तवज्जो दी है, गुर्जरों में इसकी कसक हमेशा बनी रहती है। उनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर बराबर हैं, लेकिन भाजपा हमेशा जाटों को तवज्जो देती है। गुर्जरों की हर बार उपेक्षा हुई है, यही कारण रहा है कि खतौली विधानसभा के उपचुनाव में जाट गुर्जर मुस्लिम त्यागी गठजोड़ हो गया है और भाजपा को सीट गंवानी पड़ी। जाट किसान आंदोलन के कारण भाजपा से नाराज था, गुर्जर भाजपा से उपेक्षित महसूस होने के कारण जाटों के साथ मिल गठबंधन को चले गए थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस गठजोड़ को लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखने के लिए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, रालोद के साथ गठबंधन किया, लेकिन भाजपा ने दोनों के गठजोड़ में दरार डालते हुए जयंत चौधरी को अपनी तरफ खींच लिया। इससे सपा मुखिया का पूरा फोकस अब गुर्जरों पर लग गया है। गुर्जरों को खुश करने के लिए वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो सीटें उन्हें दे सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पहले कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी, गुर्जर बहुल सीट होने के कारण सपा ने इसे अपने खाते में लिया ताकि यहां से गुर्जर प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सके। पहले यहां सपा रालोद गठबंधन से खतौली के विधायक मदन भैया को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन गठबंधन टूट जाने से सपा अब किसी अन्य पर दाव लगाएगी। सूत्र बताते हैं कि सपा की सूची में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयवती नागर के पति गजराज नागर व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के अलावा कुछ ऐसे नाम भी हैं जो अभी दूसरे दलों में हैं। उन्हें सपा में शामिल कराकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। इनमें पूर्व विधायक समीर भाटी व भाजपा से असंतुष्ट चल रहे दो नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। सपा मुखिया अपने अपने मकसद में कितने कामयाब होंगे या तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन भाजपा की भी गुर्जरों को अपने पाले में बरकरार रखने के लिए बड़ी दाव चल रही है। तो दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव की जो चहल गर्मी है वो काफी तेज है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी गोटियों को फिट बैठाया जा रहा है कि कहां से कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, कहां से किसको टिकट मिलना चाहिए। और अभी सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया है। अब ये दिलचस्प होगा कि लड़ाई काफी टक्कर की रहेगी, काफी कांटे की टक्कर की लड़ाई रहेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।